दोस्तों, अगर आप लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो रुको रुको, क्योंकि स्मार्टफोन ने एक नया लैपटॉप लॉन्च किया है जो कि एकदम नए लुक में है और इसका नाम है स्मार्टफोन टीबुक, जो कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिवाइस है। दोस्तों, वैसे तो इस लैपटॉप की कीमत 12,990 रुपए से शुरू होती है जो कि 2-in-1 है, बट आप इस लैपटॉप के फीचर देख के जरूर जाइएगा। आप ले या ना ले, उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, ये 2-in-1 लैपटॉप डिटेचेबल कीबोर्ड से लैस है, जिस वजह से यूजर्स इसे टैबलेट की तरह भी यूज कर सकेंगे। दोस्तों, इस लैपटॉप को एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट में 13 मई से उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, अगर डिजाइन की बात करें तो स्मार्टफोन टीबुक फ्लेक्स की बॉडी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बनी है। दोस्तों, ये लैपटॉप 2 कलर ऑप्शन में आएगा, ऑरेंज ग्रे और ब्लैक ग्रे। दूसरी ओर इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टाइलिश सपोर्ट, फ्लिक्स स्टैंड जैसे फीचर्स मौजूद हैं। दोस्तों, इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मौजूद है, जिससे आप अंधेरे में भी अच्छी तरीके से टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, ये लैपटॉप 42,990 रुपए और 52,990 रुपए में उपलब्ध होगा। कोर M3 का दाम 42,990 है। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूं, कोर M3 है, i3 नहीं, और कोर i5 के दाम 52,990 रुपए होंगे। चलिए बता दूं स्मार्टफोन टीबुक लैपटॉप के कुछ फीचर्स जो इस तरह हैं। दोस्तों, स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस लैपटॉप में 12.2 इंच का WQXGS 2560x1600 पिक्सल IPS मल्टी टच डिस्प्ले के साथ आता है। इसका एस्पेक्ट रेशियो है 16:10। दोस्तों, यह लैपटॉप फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट ओलियोफोबिक लेयर के साथ कोटेड है। इसमें 7th जनरेशन का इंटेल कोर M3 7Y30 प्रोसेसर है। अगर इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें तो दूसरे वेरिएंट में 7th जनरेशन इंटेल कोर i5 7Y54 प्रोसेसर है। दोस्तों, अगर हम बात रैम की करें तो इसमें 4GB रैम LPDDR3 है, और अगर ग्राफिक्स को देखें तो इसमें इंटेल HD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स 615 लगा है। दोस्तों, इस लैपटॉप के स्टोरेज को देखा जाए तो इसमें 128GB का SSD स्टोरेज आता है। जरूरत पड़ने पर SD कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कैमरे की बात करें तो इसमें 5MP का ऑटो फोकस रियर कैमरा है और 2MP का फ्रंट कैमरा है। दोस्तों, इस लैपटॉप में 2 USB 3.0 पोर्ट है, एक USB टाइप सी थंडरबोल्ट 3 पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और मैग्नेटिक पोगो पिन भी दिया गया है। दोस्तों, इसमें वाईफाई 802.abgmac, वाईफाई डायरेक्ट और ब्लूटूथ 4.0 का भी सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों, स्मार्टफोन का यह 2-in-1 लैपटॉप यानी टीबुक फ्लेक्स विंडोज 10 पर चलता है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्मार्टफोन एक इंडियन कंपनी है। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले कुछ मोबाइल्स आए थे जिसको सचिन तेंदुलकर ने प्रमोट भी किया था। तो आपकी इस लैपटॉप के बारे में क्या राय है, आप जरूर कमेंट लिखिए। इस लैपटॉप का दाम कम होना चाहिए या दाम आपके अकॉर्डिंग ठीक है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले मिले। मिलता हूं अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।